रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री के आवासीय परिसर में बने L2 अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते वक्त विस्फोट हो गया। सिलेंडर का विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इस हादसे में दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया और यहाँ पर इनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए रायबरेली जिला प्रशासन द्वारा आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री लालगंज के आवासीय परिसर में L2 अस्पताल संचालित है। यहाँ पर भर्ती गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। आज दोपहर में मरीजों के लिए आए ऑक्सीजन सिलेंडर को उतारते समय अचानक से विस्फोट हो गया, जिसमें दो मरीज गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल मरीजों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर मरीजों का इलाज करने वाले जिला अस्पताल के इमरजेंसी के डॉक्टर संतोष सिंह की माने तो दोनों मरीज L2 अस्पताल रेल कोच फैक्ट्री लालगंज से आए हैं। वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते वक्त विस्फोट होने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोनों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। संवाददाता श्रवण कुमार सरेनी, रायबरेली।